कितना बज रहा है भाई। हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। सो हम चल रहे हैं कुछ रक्षाबंधन की खरीदारी करनी। अभी हम लोग रक्षा नहीं लिए हैं, काफ़ी कुछ है, देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। और शाम को हम यहाँ से निकलना है, तो जो भी करना है हमारे पास सिर्फ 2-3 आवर्स हैं, उतने में ही करना है। और बहुत सारा काम है, चल के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट में काले चने जो नहीं है यही हैं, आज हम लोग काले चने खा रहे हैं। तो हमने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर ले। अच्छा, काफ़ी सारे लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे दी रक्षाबंधन पे कोई अफोर्डेबल गिफ्ट बताइए ताकि मैं अपने सिस्टर को दे पाऊँ। सिस्टर लोग ब्रदर को बोल रही थी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। गिफ्ट के लिए आप ना न्यूड का परफ्यूम ले सकते हो, भी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं उसे यूज़ करती हूँ। एक परफ्यूम में आपको 6 यूनिट्स मिलते हैं और एक यूनिट में आपको 10 ml प्रोडक्ट मिलता है। और प्राइस की काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, 599, तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको परफ्यूम ही दिखा देती हूँ, मैं लगा रही थी, जस्ट सामने रखी हूँ, 1 मिनट दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी न्यूड लग्जरी परफ्यूम्स के बारे में, क्राफ्टेड फॉर वुमेन। सो इसमें आपको मेंस के लिए भी मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 599 में आपको 6 यूनिट्स मिल जाती है एंड 1 यूनिट में आपको 10 ml प्रोडक्ट मिल जाता है। इस परफ्यूम की खास बात यह है कि एक ही पैक में आपको 6 अलग अलग फ्रेगनेंसेज मिल जाती है, जो कि आप अपने मूड के हिसाब से यूज कर सकते हो। आपका कब कैसा मूड है, उस मूड के हिसाब से आप परफ्यूम भी लगा सकते हो, है ना। और ये आपके बजट में भी आ जाता है, 599 में 6 परफ्यूम, जबकि आजकल परफ्यूम जो है इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, एक परफ्यूम के लिए आपको इतना पे करना पड़ता है। इसे आप अपने जेब में डाल के कहीं भी लेके जा सकते हो, ट्रेवल फ्रेंडली है। तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आपके सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो सबसे पहले चलो इन परफ्यूम के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अच्छा, ये भी नहीं है कि आप आज लिए कल एक्सपायर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 36 मंथ तक चलने वाला है, फ्रॉम जब ये पैकेजिंग होती है उसके बाद। तो फर्स्ट जो परफ्यूम है उसका नेम है टाइमलेस। तो टाइमलेस परफ्यूम काफ़ी, मतलब इसकी जो फ्रेगनेंस है माइल्ड है, वैसे सभी परफ्यूम्स की फ्रेगनेंस माइल्ड है। इसके बाद सेकंड परफ्यूम का नाम है हिप्नोटाइज, सो नेम से ही आप समझ सकते हो, हिप्नोटाइज ब्लू आइज। तो इसके बाद जो है वो है मजेस्टिक, फिरिस्टनर, शल्टरी, मैग्नेट। सो आप अपने मूड के हिसाब से परफ्यूम सिलेक्ट कर सकते हो। लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब क्या क्या मेंस वुमेंस दोनों का दे दिया हुआ है, सो आप लिंक के थ्रू जाइए ले लीजिए और अपना फीडबैक मेरे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखा ना आपने कि कितना कम रेट में आपको इतना अच्छा परफ्यूम मिल जा रहा है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लिंक के थ्रू जाइए, अभी ऑर्डर कीजिए और फीडबैक ज़रूर देना कि आपकी सिस्टर को एक गिफ्ट कैसा लगा। कहाँ आए हो आप? स्कूल। अभी मेरे को बुखार हुआ, इसलिए पढ़ाई नहीं करूँगा, 2-3 साल से छुट्टी मिल जाए। ओल्ड हो रखा है इसको। सो फ्रेंड्स, हम लोग गए थे इनके स्कूल और आज से 5 दिन की छुट्टी हो गई बाबू की। इनके यहाँ 15 अगस्त सेलिब्रेशन हो रहा था, बट बाबू को कोल्ड हो रखा है, सो पार्टिसिपेट इन्होंने नहीं किया। इनके मैम ने बोला, हम लोग आए थे एक्चुअली एडमिशन फॉर्म के लिए ना दी, वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद एडमिशन कराना था। तो फिर उनकी मैम ने बोला कि जिस स्कूल से इनका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ के सर ने मेल कर दिया है, सारी डिटेल्स मेल कर दी हैं। सर उनके बहुत कोऑपरेटिव हैं। हाँ, तो एक्चुअली इनके सर ने हम लोगों को नहीं बताया था कि हमने सारा सबको सारी डिटेल्स भेज दी हुई है। सो हम लोगों को आना पड़ा, बट आए तो इनकी मैम भी काफ़ी, थैंक यू टू सर। और मैंने ट्रांसफ़र, मुझे पता भी नहीं चला मेरे बेटे का ट्रांसफ़र हो गया। हाँ, और सच बताऊँ तो हम लोग जिस दिन प्रत्युष का लास्ट डे था, बाबू भी बहुत रोया था, हम और दीप भी बहुत रोए थे, बैडमैन ना बेबी। तो क्योंकि वो स्कूल इतना अच्छा, इतना लोग ना कोऑपरेट करते थे कि दीप की आंखों में भी आंसू आ गया था, हमारी आंखों में भी, और मेरा बच्चा भी कि नहीं। और
जिस दिन इनकी मैम जो घर पे ट्यूशन टीचर आती थी, फर्स्ट टाइम मैंने प्रत्यूष को रोते देखा था, अपने अपने आकांक्षा मैम के लिए रो रहे थे, इनकी आंखों में आंसू है, देखो स्माइल बेबी अभी भी हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी आकांक्षा मैम से, और वो भी ना इन बहुत ही प्रत्यूष छोटा सा था, 3 साल जब से हम लोग लखनऊ आए हैं तब से अच्छा बिहेवियर है उनकी, इनकी ट्यूटर का। हाँ, जब से हम लोग लखनऊ आए हैं तब से वो बाबू को घर पे आके ट्यूशन पढ़ा रही थी आकांक्षा। बहुत ही अच्छा बिहेव है उनका, और बच्चों से ऐसे घुल मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि प्रत्यूष बदमाशी नहीं करता, बस आपको ऑन कैमरा इतना सीधा देखने में लग रहा है, सीधा तो है नहीं। हम लोग मतलब कभी कभी होता था ऐसे पढ़ने का नहीं मन रहा है तो मैं नहीं हैंडल, मेरे से नहीं होता था या इनसे हैंडल नहीं होता था, क्योंकि मैम बोलती सर कोई नहीं, आप ठीक है, आप प्रत्यूष को बस एक बार बता दीजिए, वो फिर अपना अपने हिसाब से टैकल कर लेती थी। उसमें प्रत्यूष पूरा बैठ के पूरा फुल टाइम देते थे। ये भी नहीं है उनका जो ट्यूशन का टाइम था वो मतलब जितना इनको देना चाहिए, चाहे वो आधा घंटा घूमे मस्ती करें, लेकिन पूरा पूरा फुल टाइम देते थे। तो ये सब हम आप लोगों को नहीं दिखाते, जस्ट नहीं दिखाना चाहते कि ये सारी चीज़ें हैं। हम अपने बच्चे का, हम नेहा का स्कूल आपको दिखा दें। आपको पता है हम लोगों की लाइफ जो है वो खुली किताब है। हमारे घर में नमक कहाँ रखा है, तेल कहाँ रखा है, ये सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा देखने को। तो हम मतलब सेफ्टी पर्पस, सिक्योरिटी पर्पस दोनों के दोनों को ध्यान में रखते हुए अभी भी हम स्कूल गए थे। बाहर का आपको नहीं दिखाए, अंदर का भी हम आपको नहीं दिखाए, सिर्फ अपना खुद का दिखाए हैं। रीज़न बहुत कुछ है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए नहीं दिखाते। बाकी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ दिखाई ना जाए वो लाइफ में हो ना, ठीक है। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, सबके आदमी गाँव में भी रहेगा तो प्राइमरी स्कूल आदमी वहाँ बच्चा भेजेगा, जाहिर सी बात है। सीधी सी बात है ना, बस यही है। तो चलो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, ओके बाय। आप लोग प्लीज जो प्रेजेंटेबल है वही प्रेजेंट किया जा सकता है, सारी चीजें नहीं प्रेजेंट की जा सकती। मिलते हैं आज, आज ही आप लोग शायद वीडियो देखेंगे। आज है कौन सी डेट है रे? 10th है ना, शायद आप लोग आज ही देखेंगे। तो हम आ गए हैं दीदी के लिए कुछ रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट लेने। देखो बदमाशी करते हुए आ रहे हो आप। क्या करने आए हो दीप? ऐसे टहला घूमने कर रहा हूं। टेला घूमी के लिए आपके पास टाइम है? काम बताओ। पिंक कलर उनको नहीं पसंद है भैया, पिंक छोड़ के आप। नहीं ये ऊपर वाला मल्टी कलर है क्या? ये पर्पल भैया, एक नीचे। हाँ ये कलर अच्छा लगता है, एक ये दिखाएगा। लेकिन साइज एल है भैया, साइज छोटा है, एल है लेकिन साइज छोटा है, साइज जो है काफी छोटा है। अच्छा लग रहा है ना? सो फ्रेंड्स हो गई हमारी सारी खरीदारी, अभी बस दीदी के लिए एक फूल लेना है, वो चल रहे हम ले लेंगे बाकी। हाँ तो अच्छा लग रहा है। किसके लिए? नो जो हल्का ब्राउन में देखा, मैं आपको वीडियो में ला रही हूँ, आप भाग रहे हो। कचरा आ रहा है तो क्या हुआ मौसम? अरे यार कार में दुपट्टा फंस गया, एक मिनट रुको, अब हो गया। अभी बस फोन लेना बाकी है ना, हो गया सारा काम। ऐसे यार मैं उनका थोड़ी ना, मैं मेरा बोल रही थी, तो आप इनका फोटो क्लिक कर रहे हो। पता तो चलना चाहिए कहाँ खरीदारी करी। क्यों हम क्यों पता चलना चाहिए, हम 1 रुपए का डिस्काउंट दिए हैं। लेकिन अच्छा लगा तो देखा नहीं कि क्या करूं, मेरा दुपट्टा बार बार भग जा रहा है तो मैंने इसको ऐसे ऐसे रख लिया। बहुत बहुत वजन है, बहुत बड़ा दुपट्टा है ये।
सीट बेल्ट मैं राजा तू रानी कुछ खाओ भाई? नहीं कुछ नहीं खाओ, चला घर। तो अब हम आ गए हैं दीदी के लिए, दीप की सिस्टर के लिए फ़ोन लेने, उनको जो है बर्थडे सॉरी रक्षाबंधन में गिफ्ट करना। देखो कह रहे बंद करो, यहाँ पर ऐसे नहीं करने देते मुझे, कभी नहीं करने देते ब्लॉगिंग। अभी ठीक हो? नो चुम्मी क्यों दे रहे हो? चुम्मी नहीं चाहिए, ये लो अपनी चुम्मी वापस। अपने निशान डाल दिया, ये देख, ये देखो ये है, ये देखो दिख रहा है, देखो कैमरे में देखो आप, कस के किसी का लिए निशान पड़ गया। ये देख बेबी, आपको दिख रहा है, मुझे पता है, आप जान बुझ मैं भी कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, अरे बेबी ये तो लिक्विड थी ही नहीं। ओ सो फ्रेंड्स, क्या हुआ? आ गया है बाबू का चिली पोटैटो, बड़े दिनों बाद देख रहे हैं चिली पोटैटो। क्यों बाबू छुप गए? छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। गरम है बेबी, नीचे रख दो, रख दो नीचे रख दो ताकि सूख, थोड़ी सी ठंडी हो जाए। हाँ सीट पीछे। हाँ और हमारे लिए आई हुई है चाउमीन। चलो चलते हैं, हम लोग खाते पीते हुए चलते हैं। सो हो गई मेरी तबीयत खराब, अब मैं खाने जा रही हूँ दवा। लो अपने का ली एक टैबलेट खाओ। इसको सिम रख दो, मैंने अभी हाथ से दिया है। मुझे तो स्टिक दिखा तो क्यों नहीं, बस नहीं चाहिए बेटा, दिखा नहीं नहीं टैबलेट नहीं। बाबू के टीथ ना वो हिल रहे हैं, निकलना है मतलब, हाँ टूटने वाला है, इसलिए वो बार बार आवाज दिखा रहे हैं, खींच दे रहा है। अब खींच दिया पूरा, थोड़ा सा रहने दो, मैं बता दूं उसके ज्यादा हिल गया। सो फ्रेंड, जस्ट मैं घर पे आ रही हूँ, बुखार हो गया है, तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। अरे हाँ पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इसके बाद ब्लॉग का एंड करती हूँ। बहुत तेज फीवर हुआ है। सो जैसा कि आप सभी को पता है, तो मेरी ननद जी के जो बच्चे बेटे हैं छोटू, अनूप नाम है उनका, तो हमारे साथ एक महीने से ज़्यादा हो गया है, रह रहे हैं ना, तो हमने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि नहीं किया था, उनके लिए मतलब अच्छे अच्छे कपड़े लिए थे, तो वो क्या काम किए, वो निकाल के सारा पहन डाले। तो अब भाई मामा के यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो फिर उनके पास तो होना ही चाहिए है ना। सो इस बार उनके लिए टी शर्ट लिया गया है, ये है ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर। बाकी पैंट शर्ट जो टी शर्ट और थी वो पहन लिए हैं, लेकिन पैंट शर्ट अभी रखे हुए हैं, तो पैंट नहीं लिया गया, क्योंकि पैंट ऑलरेडी उस टाइम वो कई लिए हुए थे, तो पैंट नहीं लिया गया है। इसके बाद एक ये है सूट, ये मेरे लिए है ठीक है, और ये सूट मैंने नेहा के लिए लिया हुआ है, जिसको पहन के राखी बांधेंगी भाई बाबू को, और उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और मैंने मेरी टैग, मैंने कहा निकाल दो टैग, नहीं तक दिखाई देना चाहिए है ना, नहीं तो सबको लगेगा कि सबको क्या, फिर ऐसा होता है ना कि शो कर रही हैं पैसे। तो मैंने मेरी दीदी के लिए, ननद के लिए साड़ी ली हुई है, ये है ग्रीन कलर में, इसके बाद येलो कलर की साड़ी है। तो ये हो गया, और ननद रानी के लिए फ़ोन है, ये थे वो सारे गिफ्ट जो मैं मेरी ननद के लिए ली हूँ रक्षाबंधन पे।
कैसा लगा आपको, क्या सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पता नहीं क्या कुछ और है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा, इस न्यूड का जो लग्जरी परफ्यूम है उसका वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू जाइएगा, ले लीजिएगा। मिलते हैं इसके बाद वाले ब्लॉग में। ओके, बाय।